चार मैच हुए थे, चार मैचों के बारे में। तो ये टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका 7 विकेट से जीत चुका है। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट इनिंग के बारे में। इंडिया ने 202 रन बनाए, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने, उसके बाद इंडिया ने सेकेंड इनिंग 267 रन बनाए, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 243 रन बना के इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों हम बात करते हैं, हम फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं। पहले इनिंग में के एल राहुल ने 50 रन बनाए, 133 गेंद खेली, चौके लगाए थे इस मैच में। उसके बाद मयंक अग्रवाल ने 26 रन बनाए थे, 36 गेंद खेल के 5 चौके लगाए थे। जरा ने 3 रन बनाए, 33 गेंद खेली। उसके बाद राणा ने कोई खाता नहीं खोल पाए, हनुमान बिहारी 20 रन बना के आउट हुए। ऋषभ पंत मात्र 7 रन बनाए, 13 गेंद खेली, 1 चौका लगाया। हम अश्विन की बात करते हैं, अश्विन ने बहुत ही शानदार पारी खेली थी, 46 रन बनाए, 50 गेंद खेल के 6 चौके लगाए थे उस मैच में। तो हम ठाकुर की बात करते हैं, तो कोई खाता नहीं खोल पाए थे। दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद शमी की, मोहम्मद शमी ने 9 रन में आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह 14 रन बनाए, सिराज ने 1 रन बनाए। दोस्तों बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, तो बॉलिंग के बारे में, तो रबाडा ने फर्स्ट इनिंग में इसमें 17 आउट फेंके, 2 मैड निकाला, 64 रन दिए, 3 विकेट लिए। ओलिवर ने 17 आउट फेंके, 1 मैड निकाला, 64 रन दिए, उसमें भी 3 विकेट लिए। मार्को जॉनसन ने 17 आउट फेंके, 5 मैड निकाले, 31 रन दिए, उन्होंने उसमें 4 विकेट अपने नाम किए। तो 202 रन बना के इंडिया ऑल आउट हो गया, 16 रन और एक्स्ट्रा है, 63 ओवर खेल के फर्स्ट इनिंग 202 पे ऑल आउट। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग के बारे में। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, मतलब हमने 7 रन बनाए थे, पीटरसन ने 62 रन बनाए, दूसरे ने 1 रन बना के आउट हो गए, वामा 1 रन बनाए, टीम पूरी की। उसके बाद वेगनर ने 21 रन बना के 32 गेंद खेली, 2 चौके लगाए। तो हम बात करते हैं जेंसन की, तो 21 रन बनाए, 36 गेंद खेल गए, दोबारा ने कोई खत्म नहीं हो पाया। दोस्तों सेकेंड इनिंग साउथ अफ्रीका की कुछ इस प्रकार से रही। दोस्तों अब बात करते हैं, महाराज की, तो महाराज ने 21 रन बनाए, ओलिवर ने 1 रन बनाया। तो दोस्तों टोटल इसमें 16 रन एक्स्ट्रा आए थे, 229 रन बनाए, 79.4 ओवर खेले, ऑल आउट हो गए। हम बात करते हैं भारतीय बॉलर की, तो जसप्रीत बुमराह ने 21 ओवर फेंके, 5 मैड निकाले, 1 विकेट लिया। मोहम्मद शमी ने 21 ओवर फेंके, 5 मैड निकाले थे, 2 विकेट लिए थे इस मैच में। हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका ने बहुत ही शानदार परफॉर्म रहा इस मैच में, 17 ओवर फेंके थे, 3 मैड निकाले, 61 रन दिए, 7 विकेट अपने नाम किए खेले। इस मैच में साउथ अफ्रीका का बहुत ही शानदार योगदान था, 7 विकेट अपने नाम किए थे। दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया की वापस सेकंड इनिंग के बारे में, इंडिया की सेकंड इनिंग इस प्रकार से रही थी। तो दोस्तों कैप्टन के एल राहुल इस बार कुछ खास नहीं बनाए कर पाए, 8 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मयंक अग्रवाल ने 23 रन बनाए, पुजारा ने 53 रन बनाए, राणा ने 58 रन बनाए, हनुमान बिहारी 40 रन बना के आउट हो गए, पंत खाता नहीं खोल पाए, अश्विन 16 रन बनाए, ठाकुर ने 28 रन बनाए, 24 गेंद के लिए 5 चौके लगाए, 1 चक्का लगाए। इस टेस्ट सेकंड टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका बहुत ही शानदार योगदान रहा है, हर तरह से विकेट भी साथ लिए उन्होंने, और मैच भी खेला है, 28 रन बनाए, 24 गेंद खेल के 5 चौके लगाए हैं, 1 चक्का लगाया है, 116.67 उनकी स्ट्राइक रेट रही है इस मैच में। तो दोस्तों बात करेंगे साउथ अफ्रीका बॉलिंग के बारे में, उनका बॉलिंग इस मैच में कैसा रहा था। दोस्तों रबाडा ने 20 ओवर फेंके, 70 रन दिए, 3 विकेट लिए। उसके बाद ओलिवर ने 12 ओवर फेंके, 1 मैड निकाला, 1 विकेट लिया। लुंगी ने 10 ओवर फेंके, 2 मैड निकाले, 3 रन दिए, 3 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों इस प्रकार से रहा था। हम बात करते हैं चौथे मैच के बारे में, जो कि, तो दोस्तों हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका का चौथा मैच इस प्रकार से रहा था। बात करते हैं मकरम की, 21 रन बनाए थे, 6 चौके लगाए, ये न्यूज के लिए बहुत ही शानदार पारी खेली थी इस बार, 96 रन बनाए थे, पीटरसन ने 28 रन बनाए, उसे ने 40 रन बनाए, वोमा ने 23 रन बनाए, नॉट आउट है। तो शानदार पारी जैन की है, मैन ऑफ द मैच चुना गया, 96 रन के नॉट आउट थे।
तो इसमें दो सौ तैंतीस रन बनाए, 1745 ओवर में 3 विकेट गए थे, 7 विकेट से 7। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज सेकंड टेस्ट में अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहा था। सबसे ज़्यादा बहुत ही शानदार परफॉर्म रहा इस बार, सेकंड टेस्ट में अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब भारतीय बॉलर की, देखते हैं भारतीय बॉलर का कमाल इस मैच में कुछ इस प्रकार से रहा था, कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो देखते हैं उनका कैसा कुछ रहा है। तो दोस्तों इस मैच में टोटल 25 रन एक्स्ट्रा गए थे, 243 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका ने 1745 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे 7 विकेट से इस सीरीज को अपने नाम किया। बात करते हैं बॉलर की, जसप्रीत बुमराह 57 ओवर के 2 मेडल निकले, कोई विकेट नहीं पाए। मोहम्मद शमी 17 ओवर के 3 मेडल निकले, 55 रन दिए, 1 विकेट लिया। उसके बाद साधु ठाकुर 16 ओवर के 2 मेडल निकले, 47 रन दिए, 1 विकेट लिया। दोस्तों बात करते हैं मोहम्मद सिराज की, 6 ओवर के 36 रन दिए। बात करते हैं अश्विन को 11 ओवर के 26 रन दिए, 2 मेडल निकले, 1 विकेट लिया। दोस्तों खुलासा रहा था इंडिया की बॉलिंग के बारे में। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज सेकंड टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, अतिरिक्त अपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।